राती राती फ्रेंड्स, राता माँ की रसोई में आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं हाई प्रोटीन सोया चंक्स ब्राउन राइस, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। जीरो ऑयल रिक पास ऑप्शन है ये। हम बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। फुल वीडियो वॉच करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आपके साथ एक नई ट्रिक शेयर करूंगी मैं, जिससे हमारे राइस एकदम खिले खिले बनेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक कप ब्राउन राइस ले लिए, बड़ा वाला कप है ये, तो एक कप भर के ब्राउन राइस ले लिए। अब इसे पानी डालकर अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे, जिससे इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो हट जाएगी। इस तरह से अच्छे से मैश करते हुए 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे राइस अच्छे से वॉश हो गए हैं। अब इनको एक साइड रख देंगे। एक पैन में मैंने पानी गर्म होने रख दिया था और एक कटोरी डालेंगे सोया चंक्स। जब ये फूल कर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे और इसकी इस कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे, आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गए हैं। इसका पानी मैंने अलग कर दिया है और अब इस पर डालेंगे ठंडा ठंडा पानी, जिससे इसकी बॉइलिंग प्रोसेस जो रहती है वो रुक जाएगी और एकदम सॉफ्ट, ज़्यादा गलेंगी नहीं ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं इन्हें और भी हेल्दी बनाने के लिए। प्याज, टमाटर, मटर और बॉइल्ड सोया चंक्स। प्याज टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने प्रेशर कुकर को गर्म होने रख दिया था और अब इसमें डालेंगे जिस कप से नाप कर हमने 1 कप भर के राइस लिए, उसी कप से नाप कर 1.5 कप पानी डालना है। ये एकदम परफेक्ट माप है, मेज़रमेंट है, और इससे एकदम परफेक्ट हमारे राइस बन के रेडी होंगे। और अब इसमें डालेंगे वॉश किए हुए, हमने जो राइस अभी वॉश करके रखे हुए थे वो सारे इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये आपके साथ में बहुत ही हेल्दी और बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो सब्जियों को अलग से फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा ऑयल लगता है और इस तरह से बहुत जल्दी बन के रेडी होते हैं ये। इसी में मैं सारी सब्जी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो अलग से भी इनको रोस्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा ऑयल लगता है और ये बहुत ही झटपट रेसिपी है। तो इसी में मैंने सारी सब्जियाँ डाल दी है जो हमने निकाल के रखी हुई थी, प्याज, टमाटर, मटर। आप चाहे तो गोभी, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, या आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये ब्रेकफास्ट फ्रेंड्स 5 से 10 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाता है और ज़ीरो ऑयल ब्रेकफास्ट है। ब्राउन राइस भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। 1/2 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है इसमें। परफेक्ट पानी का मेज़रमेंट है ये। इसमें एकदम परफेक्ट हमारे राइस बन के रेडी होंगे। अब 2 ब्रिसल लगा लेंगे। अब कढ़ाई को मैंने गर्म होने रख दिया था और 2 छोटे चम्मच इसमें डालेंगे ऑयल। साथ में 1 चम्मच इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। अच्छे से स्प्रिंकल होने के बाद इसमें ऐड करेंगी जो हमने सोया बरी या सोया चंक्स बॉइल्ड करके रखी हुई हैं। अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट इसको इस तरह से लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच से कम नमक। नमक हमने पहले भी राइस में ऐड किया है, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच किचन किंग मसाला मैंने ऐड किया है। मसाले भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, या कोई और मसाला भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और 1 से 2 मिनट मसाले के साथ सोया चंक्स को अच्छे से रोस्ट कर लेना है इस तरह से। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है फ्रेंड्स, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। यह हमारे कुकर का भी प्रेशर निकल गया है और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली हमारे राइस कुक हो गए हैं। आप देख सकते हैं एकदम खिले खिले राइस बन के रेडी हुए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो हमने सोया चंक्स को फ्राई करके रखा है, सारे राइस उसमें ऐड कर देंगे
और अब अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है, जिससे राइस में हमारे सोया चंक्स और जो हमने मसाले डाले हैं उसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली हमारे राइस बन के रेडी हो गए हैं, एकदम खिले खिले, बिल्कुल भी नहीं चिपके चिपके बने हैं। पानी का एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है, इस तरह से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेंगे। इसको और भी ज़्यादा हेल्दी टेस्टी बनाने के लिए इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और हमारे राइस बन के बिल्कुल रेडी है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। चलते हैं इसको सर्व करने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड्स अब इसको मैंने सर्विंग ट्रे में निकाल लिया है। अब देख सकते हैं हमारे राइस एकदम परफेक्टली बन के रेडी हो गए हैं। पूरे मेजरमेंट को फॉलो करके अगर आप बनाएंगे तो एकदम परफेक्टली बना के रेडी कर लेंगे। प्लीज़ बनाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे बने थे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए राधे राधे।